विश्व के महान पंडित योगीनाथ जी आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। लव प्रॉब्लम, प्यार में लड़के या लड़की ने धोखा दिया हो, सभी समस्याओं का समाधान करेंगे योगीनाथ जी। कोर्ट कचहरी या सौतन से छुटकारा, लव मैरिज करनी हो या पति पत्नी में कोई अनबन छुड़ानी हो, सारी समस्याओं का 100% समाधान करेंगे पंडित योगीनाथ जी। तुरंत कॉल लगाएं पंडित योगीनाथ जी को। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे करें अपने बॉस का वशीकरण। जी हाँ, आपकी बॉस कोई लेडी है या कोई जेंट्स, आप उनका वशीकरण कर सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर नौकरी में आपको अच्छा बॉस मिल जाए तो आपकी 90% समस्याएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन अगर अच्छा बॉस नहीं मिला है तो आपकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसीलिए एक बॉस को अपने कर्मचारी से बहुत उम्मीदें होती हैं, उसी तरह से बॉस को भी अपने कर्मचारी की उम्मीदें पूरी करनी चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो पाता। कई बार तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आप इस वशीकरण से अपने बॉस को बहुत ही आसानी से वश में कर सकते हैं। नौकरी में प्रमोशन पा सकते हैं, वेतन, छुट्टी, बोनस, सब तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अगर अपनी अपने बॉस को, पहली बात तो ये है कि अगर आप इम्प्रेस करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि उनकी बात को महत्व दें, उनकी बात को समझें और सहमत हों। छोटा सा बॉस वशीकरण का उपाय है, जब भी बॉस से आपकी मीटिंग हो तो आप घर से सरसों के दाने ले लें और बॉस जिस कुर्सी पर बैठते हो उसके ऊपर डाल दें। इस छोटे से उपाय से आपका बॉस आपसे सहमत होगा और आपके पक्ष में निर्णय लेने लगेगा। अगर आपके ऑफिस में कोई काम बिगड़ जाता है तो बॉस का गुस्सा होना एकदम ही स्वाभाविक है, तो किसी ना किसी तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। इससे आप बॉस के गुस्से से बचे रहेंगे। और दूसरा उपाय ये कि आप 5 लौंग और 1 नींबू लेकर उसे अपने रुमाल में बांध लें, ऑफिस जाते समय इसे अपनी जेब के अंदर रख लें। इस प्रयोग से आपकी गलती होने पर भी आपका बॉस आपको नहीं डांट पाएगा और आपको माफ कर देगा। तीसरा तरीका है दोस्तों कि आप शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन बॉस का वशीकरण कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान से निपटकर 5 लौंग लें, अपने शरीर पर ऐसी जगह रखें जहां आपको पसीना आता है। अब इस लौंग को धूप में सुखा लें और पीसकर पाउडर बना लें। इस पाउडर को चाय, पानी, दूध या शरबत में मिलाकर अपने बॉस को पिला दें। छोटे से उपाय से बॉस को वश में करने का अचूक उपाय ये है। इसके बाद आपका बॉस हर तरह से आपको मदद करेगा। अगर आपकी ये चाहत है कि ऑफिस में आप उसके विश्वास पात्र बन जाएं, तो 21 दिन तक हल्दी, गोमूत्र, पान का रस, सरसों, गोघृत एक साथ मिलाएं और अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऑफिस जाने से पहले ऐसा करें। इसके प्रयोग से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बॉस आपके वश में हो जाएगा और आपकी प्रमोशन और तरक्की से कभी भी आपको रोकेगा नहीं। और दोस्तों, अंत में बताते हैं आपको, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है तो आपका बॉस हो सकता है कि आपको भाव ना दे और आपके कार्य ना करे। तो ऐसा करने के लिए आपको स्नान करने के बाद केसर से तिलक करना है। केले के सेवन से भी बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। अगर आपका बॉस कोई स्त्री है, आप अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चांदी गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर पी लें और अपनी बॉस का नाम लेकर थोड़ा सा कपूर जलाएं। इस आसान से प्रयोग से आपकी बॉस आपसे प्रभावित हो जाएगी और आपके हर कार्य को करने में मदद करेगी। आप उनकी वेबसाइट पे भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट है www.vashikaranbaba.info। आपको उनका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो की स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उस नंबर पे कॉल लगाइए और बात कीजिए और आपकी सभी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे आचार्य योगीनाथ जी। तुरंत कॉल लगाएं पंडित योगीनाथ जी को। उनका नंबर है +91 9773 8643 9।